सारी नींद सो रहा है। ये भी बर्ड्स वगैरह सारी किया हुआ इन्होंने। आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, सुबह के 5 बजे का टाइम है, अभी अभी नाश्ता करके फ्री हुए हम। अब हम जा रहे हैं स्टेशन पे और ये लास्ट ट्रेन, अगर ये मिस होगी तो फिर हमारी मूवी भी रह जाएगी। और टिकट हमने ऑलरेडी बुक की हुई है ऑनलाइन वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैंड में, अब जाके देखते हैं कितना बड़ा स्टैंड में। तो अब बस हम स्टेशन पे पहुँच रहे हैं, फिर बाकी दो लड़के भी वहाँ पे आ रहे हैं, फिर वहाँ से चलते हैं। पहुँच गए हैं स्टेशन पे, अब हमारा एक बंदा रह गया, उसका वेट कर रहे हैं और ये हमारी मुझे ट्रेन खड़ी है जो चलने वाली है 2 मिनट में। निकले यार, अब्दुल्ला का वेट कर लेते हैं यार। हाँ सर, अब्दुल्ला नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाएंगे अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला का बेस्ट फ्रेंड है, कह रहा अब्दुल्ला को हम छोड़ के चले जाएंगे। अब्दुल्ला ये तो जरूर देखी ब्लॉग में, सही पकड़े हैं। ये देखे हम बड़ी गहरी नींद सो रहा है। ये अब्दुल्ला भाई, इसकी वजह ट्रेन मिस होते होते हमारी बची है, 1 मिनट पहले पूरे पहुंचे। हसन को बहुत नींद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ रही है, चाय नहीं पी, फिर सो गया। ये बहुत लंबा सफर है। ये देखें जी, हमारी बड़ी VIP ट्रेन है, डबल स्टोरी ट्रेन है। ये हम बैठे हैं नेक्स्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, ये हसन खड़ा नीचे वाले फ्लोर पे बोतल के साथ, लोटा नहीं लेके आए। ये हमने न्यू ओलम पे अभी आ गए हैं हम, अब हमने जाना है ओलम होप एंड ऑफ पे, बस विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे होंगे, फिर हम वहाँ से ट्रेन चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रेन पे जा बैठेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे ओलम होप एंड ऑफ, यहाँ से अब हम ट्रेन चेंज करेंगे, यहाँ से हम लेंगे दूसरी ट्रेन, फिर वो हमें दूसरे स्टेशन पर पहुँचाएगी, वहाँ से फिर हम स्टैंड में पहुँच जाएंगे फिर हम। अभी लेकिन अभी टाइम लगेगा कि हमें 3-4 घंटे और लगेंगे। ऊपर जाना किधर जाना है, पता नहीं प्लेटफॉर्म कौन सा है। 5 नंबर किसने पीक रखी किधर जैकेट ऊपर करी ना, ये देखें जी, ये खुश रहा है जर्मन। ये देखें अब हमारा दूसरा बंदा सो गया, एक बंदा उठा है दूसरा सो गया। ये इसका नेट नहीं चल रहा, तमाशा कर देखने का ना। अब हम पहुंच गए हैं स्टुटगार्ट, यहाँ से हम लेंगे बस। हमारा नहीं ख्याल, हम लियोनबर्ग के खड़े हैं, तो लियोनबर्ग किसमें है, स्टुटगार्ट में ही है, स्टुटगार्ट से नहीं है, स्टुटगार्ट सिटी है, लियोनबर्ग स्टेशन का नाम है। अब हम लेंगे यहाँ से बस और बस लेके हम फिर जाएंगे सैंडमा में और डायरेक्ट हमें वहाँ पे उतारेगी फिर। हाँ तो रुको जरा, सबर करो हसन के, फिर वहाँ से हम जाएंगे हसन की तरफ। नहीं कोई कट नहीं होगा ये। हाँ यार हर्षी यार, यहाँ से भी लगेंगे 17-1 मिनट लगेंगे, ठीक है। अच्छा। अभी हमारे पास टाइम है, हम टाइम थोड़ा लगा सकते हैं, 12-17 पे यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, तो 12:30 तक पहुँचेंगे, कोई नहीं, चलो ठीक है ले फिर ट्रेन। अच्छा वो वीडियो की वजह से इतने इंसानों की तरह बात करें, वही मैं कुछ टिमीज। अब यहाँ पे हम बर्गर खाने लगे, हमने भाई से पूछा कुछ हलाल है तो वो कहते सब कुछ हलाल है। Line 9 patty. Also, does it come with fries? Line 9 patty. Cold drink or? एक patty मतलब? Texas with Klein.
तेरा सही वाल याद आ रहा तुझे फिर छोड़ दे इसको, नहीं भाग रहा कहीं पे, नहीं नहीं भाग रहा है। नहीं, हम स्क्रीन की बात कर रहे थे, कितने मीटर स्क्रीन है हर्षित? 127.2 फीट बाय 68.8 फीट है यार। मीटर में कितनी है? 40 मीटर मीटर यार, 40 बन जाने। विड्थ तो लेंथ लेंथ कितनी है? 127 बन जानी। काफी बड़ी स्क्रीन है वैसे, और ऊंचाई जो है ना 68.8 है, 20 मीटर बन गए तकरीबन। ये बड़ी थी, बड़ी थी मीटर, बड़ी बड़ी स्क्रीन है। इसी बारे में बता दिया, बहुत बड़ी स्क्रीन है यार। हां, बहुत एक्सपेंसिव बर्गर है, मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर ऑफ लियोनबर्ग, ओनली बर्गर ऑफ लियोनबर्ग, व्हिच इज हलाल। हमने आगे सर हसन ने बड़ी मुश्किल पूछा हलाल बर्गर का, और हमने बड़ी मुश्किल ऑर्डर दिया। हमारे बर्गर तैयार होते हुए बत्तियां बुझाई रख दी है, बर्गर तो जा रहे थे बेहतरीन लग रहा है। अब हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, बल्कि फाइनल स्टॉप पे, डेस्टिनेशन पे तो जा रहे हैं अभी हम। कौन सा? यहाँ से 7 मिनट्स की वॉक है, फिर हम करके जा रहे हैं। अभी नजर आएगी ना, वो सामने है, वो देख इतनी बड़ी स्क्रीन है तो वैसे नजर नहीं आएगी, पास जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आए तो मेक स्टॉप आगे तो आ रहा है बस वाले ने, क्योंकि यहाँ पे रेस हो रही है बाइक्स की। तो अभी हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आपको रास्ता नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कहिए, ये नहीं उसके साथ। फाइनली पहुंच गए हम सैनमे में, ये काफ़ी बड़ा एरिया यार, देख के तो लग रहा है ये काफ़ी दूर तक जा रहा है सैनमा, लेकिन वीडियो में नहीं आ रहा। हमें ये लग रहा है जो सामने इसकी वॉल है ना, तो इसके ऊपर ही लग रहा स्क्रीन है, क्योंकि स्क्रीन की स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, वो थी 38x22 मीटर आई थिंक सो। तो अब चल के देखते हैं कैसी स्क्रीन है अंदर से, अब एंट्रेंस देख ढूंढते हैं फिर पता लग जाएगा। यहाँ से काफ़ी आगे आ गए, हमें एंट्रेंस नहीं समझ आ रही, ये इनसे पूछा थोड़ा एंट्रेंस का, तो वो कह रहे हैं यहाँ से शायद एंट्रेंस है, फिर हमें उस साइड पर जाना पड़ेगा। इसकी लॉबी है मेन लॉबी, पॉपकॉर्न ड्रिंक्स जो हमें लेना है। हाँ नहीं, गरीबों नहीं लिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न नहीं लिए, टनल में ले, अभी बैच खत्म हो गया पहला। अच्छा, बच्चा बता। ये देखें जी, द लार्जेस्ट स्क्रीन ऑन अर्थ, स्पेशल उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे, द लार्जेस्ट स्क्रीन ऑन अर्थ, ओपनहाइमर, या मूवी देखने आया ये आईमैक्स। क्या यार सीन है, कितने फिट लग रहा है सिनेमा कसम से। अब एंटर होने लगे हैं वर्ल्ड बिगेस्ट सिनेमा, वर्ल्ड बिगेस्ट स्क्रीन आईमैक्स। ओए 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 यार, हसन स्क्रीन चेक कर, कसम से बहुत बड़ी स्क्रीन है यार। ओए 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 ओए, अनबिलीवेबल, कसम से आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कैमरे में चीज़ नहीं आ रही लेकिन स्क्रीन बहुत बड़ी है, सिनेमा भी बहुत फिट है। क्या बुला चीज़ है, क्या बना दिया अगलों ने, मैंने किया वाइड एंगल ताकि फुल स्क्रीन आ सके, लेकिन अभी भी फुल स्क्रीन नहीं आ रही, बहुत बड़ी स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। ये हम आ गए ऊपर, सीट्स हमने अच्छी ले ली हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव मिली हैं लेकिन सीट अच्छी ले ली हैं, वो बैठे हैं लड़के, क्योंकि हमने कहा बड़ी स्क्रीन है तो आगे व्यू नहीं अच्छा आना था, आगे की स्क्रीन वेब मिल रही थी टिकट सस्ती, पीछे की थोड़ी एक्सपेंसिव मिली तो हमने वो ली है, लेकिन बहुत कमाल जगह। कैसा लग रहा है आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन में आकर? यार मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, मैं पिछले साल जब इधर यूरोप के टूर पे आया था तब मैं, हमने इधर मूवी देखी थी मोलोजेट लगी थी, लेकिन तब ये सीन था कि यूरोप का टूर वो जो आप साइबर के साथ गए थे? नहीं नहीं, तो तब ये जहाँ पे जर्मन में थी और उर्दू सबटाइटल्स थे। अच्छा अच्छा, बट मोलोजेट देखने आए थे, दैट वाज आल्सो एन ऑसम एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा अब्दुल्ला, आपको कैसा लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन में आके? बहुत अच्छा लग रहा है।
पहली दफा देखी है आपने? हसन आपके कान में से कहना चाह रहे हैं, हर्षित आपको कैसा लग रहा है वर्ल्ड बिगेस्ट स्क्रीन में आके? मुझे पता था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है। अच्छा मैम डबल स्टार नहीं लग कैसा रहा आके? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा रहा है, लग बहुत अच्छा। अभी तो फिल्म चलेगी तो पता चलेगा कैसा लगता है। मूवी तो तभी बता सकते हैं। मूवी कैसी है अभी तक? तो फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन तो काफी अच्छा, सही कह रहा है जी।